आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर दौरे पर रहेंगे, जिसके कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिले के 3 कैबिनेट मंत्रियों ने डेरा डाला है और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी कल जिले में 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ 101 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी जलालाबाद से ब्राह्मणों को साधने के लिए परशुराम जन्मस्थली को पर्यटन स्थल भी घोषित कर सकते हैं। आपको बता दें कि जलालाबाद में परशुराम की जन्मस्थली है, जिसको पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए कई सालों से प्रदेश के ब्राह्मण मांग कर रहे हैं। परसों 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, तो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, 101 योजनाओं का लोकार्पण। कहाँ कहाँ कार्यक्रम है? जलालाबाद में पहला कार्यक्रम है, दूसरा कार्यक्रम बरेली मोड़ पर है और तीसरा कार्यक्रम रामलीला मैदान। मुख्यमंत्री मंगलवार को जलालाबाद के काकोरी शहीद इंटर कॉलेज के मैदान पर दोपहर 12:15 पर हेलीपैड पर उतरेंगे। प्रभारी अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि मुख्यमंत्री जलालाबाद में विभिन्न परियोजनाओं और विकास से जुड़े कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विशन चंद्र सेठ की प्रतिमा का अनावरण दोपहर 1:50 पर करेंगे। वहां से कार द्वारा खिरनी बाग मैदान में दोपहर 2:25 पर सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पुलिस लाइन से हेलीपैड से दोपहर 3:40 पर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। शाहजहांपुर से कमलेश शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार।